पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं रमेंद्र की क्या ईश्वर मर चुका है पुस्तक में ईश्वरवाद का विरोध क्यों के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, ईश्वरीय धर्मग्रंथों की अंधभक्ति नैतिकता के विकास में भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ईश्वर के समर्थन में दी जाने वाली नीतिपरक युक्ति की आलोचन करते समय हमने देखा था कि अविलब्ध तर्कसंगत और वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित नई धर्मनिरपेक्ष और मानवीय नैतिकता का विकास कितना जरूरी है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा नीति शास्त्र में नैतिकता संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं का सिलसिलेवार और तर्कबुद्धि परक अध्ययन किया भी जाता है, लेकिन ईश्वरवादियों के लिए जैसे धर्मग्रंथों में अच्छा कहाँ गया है वह अच्छा और जिसे धर्मग्रंथों में बुरा कहा गया है वह बुरा है। नैतिकता के बारे में उन्हें इसे आगे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है। जब ईश्वर ने इस समस्या का बना बनाया समाधान दे ही दिया है तो भला कोई इस पर दिमाग क्यों खर्च करे। कहना ना होगा कि ईश्वरवादियों का यह रवैया नीतिशास्त्र और सच्चे अर्थों में नैतिकता के विकास में बाधक है। ईश्वरवादी नैतिकता के नाम पर सिर्फ जड़ परंपराओं से चिपके रहते हैं जिनका अक्सर कोई तार्किक आधार नहीं होता है। संभव है कि विभिन्न धर्मों के धर्मग्रंथों में कुछ ऐसी बातों को उचित बतलाया गया हो जिन्हें हम तार्किक दृष्टि से भी उचित मान सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर लगभग सभी धर्मों में कई ऐसी बातों की उचित और सही बतलाया गया है जो तार्किक और मानवीय दृष्टि से देखने पर सरासर अनुचित मालूम देती हैं। उदाहरण के तौर पर मनुस्मृति जैसे हिंदू धर्मशास्त्रों में गैर बराबरी पर आधारित वर्ण व्यवस्था को और यहाँ तक कि छुआछूत को भी सही ठहराया गया है। इसी तरह इस्लाम में औरत और मर्द को एक जैसे और बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। धार्मिक रूढ़िवादी लोग ईश्वर और धर्मग्रंथों की दुहाई देकर गैर बराबरी मिटाने की दिशा में सामाजिक सुधार और परिवर्तन का विरोध करते हैं। इस तरह ईश्वरीय धर्मग्रंथों में अंधभक्ति, वास्तविक नैतिकता, समाज सुधार और सामाजिक विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा ईश्वरवादियों के अनुसार सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर की जानकारी और मर्जी के बिना इस विषय में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मानव के जीवन में कब और क्या होना है यह पहले से ही ईश्वर द्वारा निर्धारित है। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानव में स्वतंत्र संकल्प शक्ति नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों में वह क्या करेगा यह पहले से निर्धारित है, और अगर मानव स्वतंत्र नहीं है तो फिर उसे उत्तरदायी भी नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर मानव स्वतंत्र और उत्तरदायी नहीं है तो नैतिकता का आधार ही नष्ट हो जाता है। नैतिकता का यानी सही और गलत के पैमानों का और नैतिक निर्णयों का तभी कोई मतलब रहता है अगर मानव में स्वतंत्र संकल्प शक्ति है, यानी अगर वह अपने सामने प्रस्तुत कई विकल्पों में से किसी एक को चुन सकता है। मानव को उसके कर्मों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी तभी माना जा सकता है जब वह अपने सामने के कई विकल्पों में से जिसे चाहे चुनने के लिए स्वतंत्र हो। अगर तो फिर यह कहने का क्या मतलब रहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए। इसलिए एक संगत ईश्वरवाद के अंतर्गत संकल्प स्वातंत्र और नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मानव में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास रहना है तो इसके लिए ईश्वरवाद के चंगुल से मुक्ति होना बहुत जरूरी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ईश्वरवाद न सिर्फ तार्किक दृष्टि से गलत बल्कि नैतिक दृष्टि से नुकसानदेह भी है। धन्यवाद। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स। For more videos, please subscribe to this channel, Positive Atheism, and activate the bell icon.